पहले ममता, अब केसीआर डर गए मोदी से। मोदी के सामने कोई नहीं टिक पा रहा। पहले खोला मोर्चा, अब बोले बीजेपी को उखाड़ फेंकना बुरा विचार। जी हाँ, लगता है देश में ना तो कोई मोदी का विकल्प है और ना ही भविष्य में फिलहाल कोई संभावना बनती दिख रही है, क्योंकि जहां एक तरफ मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ देश में विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि मजबूत विपक्ष और उसकी मजबूत भूमिका हो, लेकिन मजबूत होती बीजेपी के आगे ये दोनों ही पक्ष कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब अगर विपक्ष मजबूत हो तो ही उसकी मजबूत भूमिका देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल हालात ये है कि सबकी अपनी अपनी ढपली अपना राज। मोदी के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने के लिए ये नेता खड़े तो होते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, लेकिन बात नहीं बनती। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार भी, जब केसीआर यानी टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने मोदी के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी की और कहा कि बीजेपी के खिलाफ संगठित होने का आह्वान किया था। बाकायदा विपक्ष के कई नेताओं के साथ मुलाकातें भी की थी। तब अटकलें लगने लगी थी कि जल्द केसीआर बीजेपी के खिलाफ किसी राजनीतिक मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लगाते हुए केसीआर ने कहा है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना बुरा विचार। जी हां, बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी दल बनाने की अगुवाई कर रहे तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव के सुर अचानक से बदल गए हैं। कुछ दिनों पहले तक बीजेपी को हटाने के लिए थर्ड फ्रंट की जरूरत बताने वाले केसीआर अब कह रहे हैं कि हमारा मकसद किसी भी पार्टी को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए, देश को वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत है, राजनीतिक मोर्चों की नहीं। ये बातें केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि एक नई राजनीतिक ताकत उभरनी चाहिए जिसमें टीआरएस राष्ट्र के विकास के लिए अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हो। तेलंगाना बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल के रूप में उभरा है, हालांकि राज्य को इससे कहीं ज्यादा हासिल करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अचानक से बीजेपी को लेकर आए उनके रुख में बदलाव ने उनकी तरफ से किसी राजनीतिक मोर्चे की घोषणा करने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। इतना ही नहीं, केसीआर अब कह रहे हैं कि वो सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के विचार के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को सत्ता में हटाने के बजाय लोगों का कल्याण ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, केसीआर ने तो बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को संगठित करने की वकालत करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी नसीहत दे डाली और कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कुछ महीने पहले मुझसे मुलाकात की और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी को एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। मैंने उनसे कहा कि ये एक बुरा विचार है और इसके लिए साथ नहीं आना चाहिए। टीआरएस अध्यक्ष ने कहा, ये हमारा काम नहीं बनना चाहिए कि किसे पीएम बनाया जाए या किसी को हटाया जाए, लोगों को पूरी तरह से जीतना चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि केसीआर ने अचानक से पलटी क्यों मारी। कुछ दिन पहले देश में विपक्षी पार्टियों को संगठित करने के लिए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने उद्धव ठाकरे समेत विपक्षी कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। इस काम में अपनी बेटी के कविता को भी उन्होंने लगाया था, लेकिन अब बदल गए। सवाल ये, आखिर क्यों बीजेपी को लेकर वो इतने सॉफ्ट हो गए। आपको याद होगा कुछ इसी तरह की कवायद टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी की थी, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। तब कई विपक्षी नेताओं ने भी माना कि केंद्र में बीजेपी के खिलाफ अब ममता बनर्जी विकल्प बन सकती हैं। ममता बनर्जी ने थर्ड फ्रंट बनाने की पहल शुरू की, यहां तक कि यूपी समेत कई राज्यों का दौरा किया और पार्टियों को थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन इसी दौरान 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली और अब वो शांत हो गई है।